चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज चिली चीज। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चिली चीज बनाने के लिए हमें चाहिए है पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, अरारोट, मैदा, चीनी, नमक, विनेगर, चिली सॉस रेड कलर की, सोया सॉस, टमाटो सॉस। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना चिली चीज़। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए है, पहले तो हम एक बोल लेंगे और बोल के अंदर डालेंगे हम ये कॉर्नफ्लावर। 1.5 स्पून हमने कॉर्नफ्लावर का डालना है और 1 स्पून हमने डालना है मैदे का। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, बस चुटकी भर नमक हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल हल्का सा पानी लेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। धीरे धीरे हमने इसमें पानी डालना है, इसमें हम पानी डाल लेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर का, ये ऑप्शनल है। हल्का सा हम इसमें रेड कलर डालेंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। साथ ही हमने अपना रिफाइंड ऑयल जो है गैस पे गर्म करने के लिए रख देंगे। अब जो है इसमें हम पनीर को डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। रिफाइंड ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हम थोड़ा सा हल्का कर देंगे अब। और ये पनीर को जो है ये हमने क्यूब में काट लेना है इसको ऐसे। इसको हम इसके पनीर को हम मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो पेस्ट है उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ऐसे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको फ्राई कर देंगे। अच्छे से हमने इसको सारी तरफ से रैप कर लेना है पनीर को इस जो है पेस्ट के साथ, और इसको फ्राई कर देना है। ये ऐसे हम डाल देंगे इसको। सारा पनीर जो है हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही जल्दी और आसानी से ये बन जाता है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको जो है हम मोड़ लेंगे, साइड इसकी चेंज कर लेंगे। और गैस अपनी तेज कर देंगे। ये जुड़ गए हैं साथ में, एक एक के साथ एक। इसको हम धीरे धीरे से अलग करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको अलग कर लेना है। इसको हम मोड़ेंगे, दोनों साइड से चेंज करेंगे। ये हमारा जो है ये पनीर फ्राई हो चुका हुआ है, इसको अब हम निकाल लेंगे। इसको हमने एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। गैस हम अपनी बंद कर देंगे नीचे से। ये पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसको हमने निकाल लिया है। अब हमने बाकी का जो इसमें रिफाइंड ऑयल था वो हमने जो है पलट दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, इसमें हमने 1 चम्मच जो ऑयल है वो रख लिया है। इसमें हम अपनी कटी हुई जो शिमला मिर्च है वो डाल देंगे। शिमला मिर्च और प्याज दोनों डाल देंगे। इसको हमने सौते करना है, हल्का हल्का हमने इसको सौते करना है ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा वो चेंज हो जाए।
हमने जो है इसको शिमला मिर्च को स्क्वायर क्यूब्स में काट लिया है। ऐसे ही हमने अपने प्याज को काट लिया है। छोटा मिर्ची मीडियम साइज का हमने एक प्याज लिया है, उसको चार पीसेस में काट के उसके जो प्याज के फ्लेक्स हैं वो अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा सॉटे हो चुका हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। अब एक प्लेट में प्याज को हल्की कर देंगे। ये हमने इसको निकाल लिया है। अब इसी पैन में हमने एक चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल का डालेंगे। सात आठ जो है तुरियां हमने लहसुन की काट कर रखी हैं बारीक बारीक, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस हमने हल्की रखनी है, इसको हमने हल्का सा सॉटे कर लेना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अपनी टोमेटो सॉस। दो तीन चम्मच हमने टोमेटो सॉस के इसमें डालने हैं। एक चम्मच हम डालेंगे इसमें चिली सॉस रेड कलर की, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अपना सोया सॉस। आधा चम्मच और गैस को बंद कर देंगे। अब ये बोल हमने जिसमें हमने ये गोल खोला हुआ था कॉर्नफ्लावर का और मैदे का, इसी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा पड़ा हुआ है, इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तकरीबन हमने एक कप पानी का इसमें डाल लेना है और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को हम दोबारा से खोलेंगे, हल्की रखेंगे। आधा चम्मच हम इसमें या स्वाद अनुसार 1/3 स्पून हम नमक का डालेंगे। और 1/3 स्पून चीनी का, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसी में हमने जो सब्जियां अपनी प्याज और कैप्सिकम सॉटे कराए हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको हिलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारे पास कॉर्नफ्लावर और मैदे का घोल पड़ा हुआ है इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हमें हिलाना है। और पानी हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। गैस हमने अपनी तेज कर लेनी है। थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस और डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। इसको हम एक बॉईल आने देंगे। इसमें बॉईल आ गया है तकरीबन, अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तकरीबन एक कप पानी का हम इसमें और डालेंगे। और ये जो चिली, ये जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको बॉईल आने देंगे। अब बॉईल जो है हमारी ये चिली चीज़ में आ चुका है, ये बहुत ही अच्छी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गैस हम इसको बंद कर देते हैं। ये नूडल्स के साथ खाई जाती है, ये फ्राइड राइस के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हम इसको अब सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चिली चीज़ चाइनीज स्टाइल से हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।